नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा स्थित सेंट जॉन्स चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। चर्च के फादर अनिल मार्टिन ने बताया कि मध्य प्रदेश के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च हैं, उन सभी में रविवार की आराधना में मणिपुर की शांति और खुशहाली और उनके पुनर्वास की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि मणिपुर में हुए हिंसा में दलित, आदिवासी और गरीबों के घर जला दिए, इसके अलावा चर्च को भी नुकसान पहुंचाया गया जो चिंताजनक है। हालांकि वहां पर सुख शांति और खुशहाली आए, इसके लिए विशेष प्रार्थना पूरे मध्य प्रदेश के चर्च में की है। इतना ही नहीं, मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया जी को भी ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया और शांति बहाल करने की अपील की। फादर अनिल मार्टिन ने बताया कि हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। हम सब एक मन और इच्छित होकर के आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप गरीबों के लिए, दलितों के लिए, उत्पीड़ित लोगों के लिए, सताए जाने वाले लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, परित्यक्त लोगों के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च हैं, पूरे चर्चेज में आज की रविवार की आराधना में हम मणिपुर के जो अशांत प्रदेश के लिए शांति और खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार का उत्पीड़न हुआ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई है, बहुत से घर जला दिए गए हैं, बहुत से चर्चेस को नुकसान पहुँचाया गया है, हम वहाँ शांति की बहाली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और पूरे समाज की ओर से, पूरी कलीसिया, पूरे चर्चेस की ओर से हम उस रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास के काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग वहाँ दान दे रहे हैं, पूरे देश के लोग वहाँ पर सहायता के लिए अपने लोगों को भेज रहे हैं, संसाधन भेज रहे हैं, और वहाँ जो राहत शिविर है, उनके दैनिक आवश्यकता, दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है, वो वस्तुएं वहाँ पर सुविधाजनक रूप से पहुँचे, उनका पुनर्वास हो, शांति बहाल हो, सारे आराधनालय, सारे लोग, जैसे हमारे देश का संविधान है, प्रजातांत्रिक देश में सबका अधिकार है, वहाँ दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, उनके घर जला दिए गए हैं, वो एक दुख का कारण है जिसके लिए हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की छिंदवाड़ा, हमारे चर्च के डेनिसन स्कूल की विद्यार्थी छात्रा श्रीमती अनुसुईया उई के वहाँ की गवर्नर है, 25 तारीख को छिंदवाड़ा आई थी, हमारे बिशप महोदय ने उनको ज्ञापन दिया, राइट रेवरेंड सुक्का साहब ने, कि उस राज्य में शांति बहाली हो, और उन्होंने आश्वासन दिया कि पूर्ण शांति के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.